अग्रवाल महासभा की द्विवर्षीय प्रबंध कार्यकारिणी समिति का चुनाव 12 जून को आयोजित किया जाएगा। 1 जून को सदस्यता सूची का प्रकाशन व नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 जून निर्धारित की गई है। चुनाव 12 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोहमंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन के पुष्पांजलि सभागार में सम्पन्न होगा। दोपहर 2 बजे से मतपत्रों की गणना के उपरांत परिणाम घोषित किए जाएंगे। अग्रवाल महासभा की द्विवर्षीय प्रबंध कार्यकारिणी समिति 2024 व 26 का चुनाव 12 जून को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी वाटरवर्क्स स्थित अतिथि वन में आयोजित अग्रवाल महासभा की प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव अधिकारी रवि प्रकाश अग्रवाल, सह चुनाव अधिकारी कुलवंत मित्तल, सुभाष चंद्र गर्ग ने दी। बताया कि नामांकन पत्र 2 से 4 जून तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 जून को दोपहर 2 बजे तक होगी। 6 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 8 जून को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। वैध नामांकन पत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन 8 जून को शाम 5 बजे किया जाएगा। 12 जून को मतदान व दोपहर 2 बजे मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। आज प्रेस वार्ता इसी संबंध में रखी है। ये चुनाव 1 जून 2024 से शुरू होंगे और 12 जून को इसका मतदान महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में पुष्पांजलि सभागार के अंदर होगा और वहीं पर उसी दिन उसके शाम को गिनती होकर के मतों की और उसी दिन इसका चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसमें हमारा 1 तारीख से लेकर के और 1 तारीख को हम लोग यहाँ पर उसकी मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और 2 तारीख से 4 तारीख तक मतदान के जो नामांकन पत्र हैं वो उनका वितरण हुआ और साथ ही 5 तारीख तक 2 बजे तक हमारे जो भी जितने लोगों नामांकन पत्र आएंगे उनको दाखिल करने का अंतिम समय होगा और 5 तारीख को उसका हम लोग नाम का उसको चेक देखेंगे, मतलब कि उसमें कौन कौन से पत्र सही हैं और गलत हैं, और 6 तारीख को नामांकन की वापसी है। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री रवि प्रकाश जी हैं और मेरे साथ ही कुलवंत मित्तल भी सहायक चुनाव अधिकारी हैं। चुनाव 12 जून को होगा, यदि जरूरत पड़ती है तो, अगर सहमति बन जाती है तो फिर मतदान नहीं होगा और 1 जून से हमारी ये चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाएगी, 12 जून को समाप्त होगी। मतदान होने के तुरंत बाद इसकी काउंटिंग हो जाएगी और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि मेरे साथियों ने अभी आपको बताया, अग्रवाल महासभा के द्विवार्षिक संवैधानिक चुनाव आगामी 1 जून से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और कुल 12 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि 12 तारीख को नवीन कार्यकारिणी का गठन करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाए। और चूंकि यह सामाजिक संस्था है तो हम तो सबसे यही निवेदन भी करेंगे कि किसी प्रकार की कोई चुनावी माहौल ना बने, इसमें आपसी सहमति से जैसे अन्य संस्थाओं में होता है ऐसे ही हमेशा इसमें भी होता आया है। इस बार भी हम लोग पूरी ये कोशिश करेंगे चुनाव अधिकारी के नाते भी कि आपसी सहमति से पूरी कार्यकारिणी बन जाए और सब चुनाव संपन्न। रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि संस्थापक सदस्य वर्तमान प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य व संरक्षक सदस्य ही प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारी पद के लिए नामांकन कर सकेंगे, जबकि प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य के पद पर सभी मतदाता सूची के सदस्य चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। मतदेय स्थल के अलावा सभी चुनावी कार्य F25 प्रोफेसर कॉलोनी कमलानगर में संपन्न किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष विनोद गोयल, महामंत्री विष्णु बिहारी गोयल, कोषाध्यक्ष दिनेश मित्तल, मंत्री सत्येंद्र कुमार अग्रवाल, मुरारी लाल अग्रवाल, कानूनी सलाहकार महेंद्र कुमार बंसल आदि उपस्थित थे। उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उप महामंत्री, मंत्री, उपमंत्री, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री, लेखा सचिव, अंकेशक, कानूनी सलाहकार व 14 कार्यकारिणी सदस्यों सहित कुल 40 पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।